जी का उधार भारतीय जनता पार्टी होना है और 22 का इलेक्शन देखोगे तो वो नवजोत सिंधु भारतीय जनता पार्टी आकर के लड़ेगा, ये भी देख लेना। मैं गल बिल्कुल कन्फर्म गल कर रहा हूँ, उसका जन्म भारतीय जनता पार्टी जो है और उसका उधार भारतीय जनता पार्टी होना। वो एक ईमानदार आदमी है और ईमानदार पार्टी जी ने आना और भारतीय जनता पार्टी से आना। कुछ गल्लां जिहड़ियां ने मैं दस नहीं सकता कि भी की कुछ हो रहा है मेरे और उधर की गल हो रही है, अजे कुछ गल कह नहीं सकते, लेकिन इन दी लोंग रन असी देखांगे कि भई मैं सच्चा है कि कोई होर गल सच्ची है। नवजोत सिद्धू नूं लै के सियासत जोरां शोरां ते हो रही है। हुण नवजोत सिद्धू बहुत जल्द ही बीजेपी दे विच शामिल होण जा रहे ने अते 2022 दीआं चोणां दे विच सिद्धू बीजेपी वालों लड़नगे। यह असी नहीं कह रहे, यह कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर मास्टर मोहन लाल का। मास्टर मोहन लाल के इस बयान दे नाल मीडिया च सिद्धू दे बीजेपी च शामिल होण दीआं चर्चावां छेड़ दित्तियां। आओ एक बार तुहानूं भी सुणाउने आं जो मास्टर मोहन लाल ने कहा। तो मैं अज भी इस फर्म कन्विक्शन ते खड़ा कि सिद्धू जी का नवजोत सिद्धू जी का उधार भारतीय जनता पार्टी होना और 22 का इलेक्शन देखोगे तो वो नवजोत सिंधु भारतीय जनता पार्टी आकर के लड़ेगा, ये भी देख लेना। मैं गल बिल्कुल कन्फर्म गल कर रहा, कोई शरारत नहीं कर रहा। मैं मैनू पता है ना अपने टैंपरामेंट का, क्योंकि उसका जन्म भारतीय जनता पार्टी जो है और उसका उधार भारतीय जनता पार्टी से होना। अज लगता कि वह कांग्रेस च हैगा, लेकिन कांग्रेस किन्ना हालात के कारण है, तीन दिन बैठा रहा जाके हरीश रावत वो घर जा करके कदे लंच दे कदे डिनर दे सारिया गल्लां करते रहे, लेकिन वो एक ईमानदार आदमी है और ईमानदार पार्टी जी ने आना और भारतीय जनता पार्टी से आना। कुछ गल्लां जिहड़ियां ने मैं दस नहीं सकता कि भी की कुछ हो रहा है मेरे और उधर की गल हो रही है, अजे कुछ गल कह नहीं सकते, लेकिन इन दी लोंग रन असी देखांगे कि भई मैं सच्चा है कि कोई होर गल सच्ची है। पर नवजोत सिद्धू दी मैं बहुत इज्जत मान सम्मान करना जी। देखो उहदे बारे च मैनूं कोई ना ज्ञान नहीं कि वह भारतीय जनता पार्टी आए करते या नहीं आए करते। मास्टर जी कोई गल हुई हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इदा की गल कोई प्रेस कह दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी आए करते हैं या नहीं आए करते, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मास्टर जी कह करते किसी ना किसी विश्वास के कारण कह करते होना, या मास्टर की कोई गल हुई होनी है, या किसी सोर्स तो मास्टर जी को पता लगे होना, तो मेरे को ऐसी कोई खबर नहीं है। तो एट प्रेजेंट बीजेपी ज्वाइन करने की गल हैगी है, मैं लगता कि जो देश का भविष्य हैगा वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हाथ से हैगा। और जो एट प्रेजेंट जी चीज़ ने मैं सब तो ज़्यादा प्रभावित किया है वो जो किसान बिल जो है, किसान बिल आने वाले समय से मील का पत्थर साबित होएगा। मैं गल तां कह रहा, मैं खुद एक किसान परिवार तो हैगा, किसानों वाले शोषण जिस तरह होंदा रहा है और अनाज लई बेचण लई या मंडियां लई अनाज की वेस्टेज जिस तरह सब तशद्दत होंदी रही हैगी है, किसान बिल मील का पत्थर साबित होएगा और आने वाले समय से किसान बिल किसानों का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल करेगा और देश किसानों के बलते इस बिल के गलते और पूरी तरक्की करेगा। सर दस दिए कि इस दौरान मास्टर मोहन लाल पठानकोट के सांसद मैंबर सनी देओल के दफ्तर के बाहर मौजूद सन, जिथे मास्टर मोहन लाल ने कई बागी लीडर पार्टी शामिल किया, जिस दौरान यह बयान भी दिता। हुण वेखना यह होगा कि आखिर इस बयान के किन्नी कु सच्चाई है, कि नवजोत सिद्धू बीजेपी का पल्ला फड़नगे जा फिर मुड़ तो कांग्रेस के शामिल होंगे। पठानकोट तो जतिन शर्मा की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।